क्या बेंजैलिक फ्री रेडिकल करा दिया था, बेंजैलिक फ्री रेडिकल में कितने पाई बॉन्ड थे, तीन, और तीन पाई बॉन्ड की वजह से इसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी थी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, पहला अपन रेजोनेंस चल रहा था अपना, ठीक है, रेजोनेंस में पहला कौन सा कराया अपन ने, एलाइलिक, दूसरा कौन सा कराया, बेंजैलिक, अब तीसरा देखो, एक और था ना क्लास में वो कहां गया, नहीं नहीं एक और तीन ही थे, इंग्लिश मीडियम। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो तीसरा पॉइंट, डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। मैडम देखो, जब मेरी क्लास हुआ करे ना, इधर सुनो तो सही मैडम, इधर तो देखो मेरी तरफ, सुनाने से नहीं होगा, देखने से होगा मैडम, तो इसके नीचे ऐसे डस्टर लगा दिया करो ऐसे, ठीक है ना, डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। देखो बेटा बोर्ड पर देखो, ये लो, ये कौन सा हो गया आपका, डाई, डाई का मतलब हो गया दो, बोर्ड पर देखो, डाई का मतलब हो गया दो, ठीक है, दो क्या है, फेनिल, फिनाइल मतलब, फिनाइल मतलब फिनाइल रिंग, दो भाई, मिथाइल मतलब, मेथ का मतलब एक कार्बन, और फ्री रेडिकल, ठीक है। इसमें टोटल कितने पाई बॉन्ड है, काउंट कर लो आप इजीली, 1 2 3 डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ही होते हैं, 3 और 3 6, और जितनी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, मोर देन 1। देखो बेटा, इन दिस कार्बन फ्री रेडिकल टोटल, इन दिस कार्बन फ्री रेडिकल टोटल 6 pi bonds are present, so total 7 resonating structure will be formed, ठीक है, जगह छोड़ दो, अपने आप बनाना, होमवर्क है ये तुम्हारा, और जो रूम पे रहते हैं उनके लिए रूम वर्क है। नेक्स्ट, ठीक है, जगह छोड़ देना, बना लो इसे। मैडम कितने जो कितनों ने ज्वाइन किया है, अरुण सिंह, राजेश सैनी, विनायक शर्मा, थैंक यू सर, ठीक है, स्पेस छोड़ देना, बना लोगे ना आसानी से, ठीक है, किसको घुमा के लाना है, फ्री रेडिकल को घुमा लाना, किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले कोई से पहले जाओ, किसी पे भी ले जाओ, आप चाहो तो पहले इस पर घुमा लाओ, आप चाहो तो पहले इस पर, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले यहाँ ले जाना है या पहले वहां ले जाना है, आपको सारी पोजीशन पर लेकर जाना है, आपको टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, कैसे बनानी है, डजंट मैटर, ठीक है, समझ में आ गया, क्या मैं बनाऊ बताओ, पक्की बात है, ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फोर्थ हेडिंग, पहला कौन सा हो गया एलाइलिक, दूसरा हो गया बेंजाइलिक, तीसरा कौन सा हो गया डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, अब तीसरा कौन सा है, देखो बोर्ड में बेटा, मैं यहां से किसको हटाता हूँ, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को हटा के ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिखो नेक्स्ट हेडिंग बेटा, ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, हाँ जी, लिख लिया, क्लियर है, ठीक है, इन दिस फ्री रेडिकल, शॉर्टकट में लिख लिया करो, एफ डॉट आर, फ्री रेडिकल को शॉर्ट में एफ डॉट आर, इन दिस फ्री रेडिकल टोटल कितने प्रेजेंट है बेटा, टोटल 9 pi bonds आर प्रेजेंट, इन दिस फ्री रेडिकल टोटल 9 pi bonds आर प्रेजेंट, तो टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी फॉर्म्ड, सो टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी फॉर्म्ड, ठीक है, देखो मेरी बात सुनना, पेपर में ना कई बार ना इसको ऐसे बना के नहीं देता, इसकी जगह क्या लिख देगा तुम्हारे आगे,
क्या पी आई पी एच ऐसे, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, फेनिल को फेनाइल को ऐसे पीएच लिख देगा। कई बार क्या है कि समस्या, कई बार क्या है इसको ऐसे भी लिख के दे देगा, जो फिनाइल रिंग है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, बना दो। ठीक है, बना लिया। अच्छा देखो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत बनाना, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं, समझाना था, समझ में तुम्हारे आ गया है, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में बताता हूँ। देखो बेटा, वी नो दैट चाहे हमें कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन वहां हमें क्या लिख के आना है, वी नो दैट, जब हमें पता है तो कॉपी चेक करने वाले को तो पता होगा ही। We know that if the number of resonating structures should be increased, then the stability, very good, exactly. Then the stability is also increased. So the stability order of above free radical is as follow. ठीक है बेटा, मैंने आपको चार free radical की बात करेंगे अभी अपन, allylic, benzylic, di और tri, पूरे मत बोलो, शॉर्ट बोल लो, allylic, benzylic, di और tri। allylic में कितनी बनी थी बेटा, दो बनी थी, बेंजाइलिक में चार, डाई में सात, ट्राई में दस बनी थी। समझ में आ गई यहां तक की बात? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, दस वाला कौन सा है, तो ये ट्राई फिनाइल है, ये हो गई ट्राई फिनाइल, सबसे ज्यादा स्टेबल है, पता चल गई यहां तक की बात। इससे कम कौन सी होगी, एच सी फाइव और फाइव डाई हो गई बेटा। क्लियर है यहां तक की बात? मैंने इसको फाई लिख दूं, पीएच लिख दूं या रिंग बना दूं, डजंट मैटर, इससे कम कौन सी होगी बेटा, बेंजाइलिक होगी। एग्जैक्टली, ये लो बना लेते हैं, और सबसे कम कौन सी होगी, एलाइलिक, ये लो लिख दो इन ऑर्डर को। आया समझ में? नहीं आया? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कल वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। कंसेप्ट क्या है? इफ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी इंक्रीज, देन स्टेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज। देख के लग रहा है इसको भी मूर्ख, तो फिर क्या इधर उधर क्या देख रहा है मेरे, सब काम देख के ही करेगा क्या, कुछ बिना देखे भी कर लेगा बेटा? देख के पनाह ऊपर है, बता चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैंने आपको टोटल कितने फ्री रेडिकल पढ़ा दिए, चार नहीं बेटा, आठ। आठ कौन कौन से? मिथाइल फ्री रेडिकल, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, एलाइलिक, बेंजाइलिक, डाई और ट्राई, कितने हुए टोटल? आठ। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है बेटा, या तो आपसे थियरी में से कोई थियरी लिखवा देगा आपसे, ठीक है, पूछ लेगा कि व्हाट इज होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, व्हाट इज हाफ हेडेड एरो, व्हाट इज फिश हुक एरो, समझ में आ गई यहां तक, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है, इन सब चीजों पे आपसे एक शॉर्ट नोट्स लिखवा देगा, या फिर वो क्या करेगा, आपको इन सारे फ्री रेडिकल्स को लिख कर देगा, रेंडमली लिख कर देगा, है ना, और आपसे कहेगा या तो इनके स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो देखो एक चीज ध्यान रखनी है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो शायद पहले बताया था, शादी के कार्ड वाला एग्जांपल दिया गया क्लास में तुम्हारे, नहीं दिया, देखो सुनो, हमारे घर में एक फैमिली में जो कंबाइंड संयुक्त परिवार होता है, तो
उसमें तीन पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, तीन जनरेशन। कौन कौन सी? दादाजी रहते हैं, पापा जी और उनका बेटा, ठीक है। तीन पीढ़ियां हो गई ना, तीन जनरेशन हो गई। शादी का कार्ड किसके नाम पे आता है? अगर दादाजी जीवित हैं तो शादी का कार्ड दादाजी के नाम आएगा, हमारे नाम नहीं आएगा। हमारा भी दोस्त आएगा तो वो पूछेगा कि घर में सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है, उन्हीं के नाम से शादी का कार्ड लिख के देखा जाएगा। हमारे नाम से शादी कार्ड आते हैं क्या? है मेरे घर में तो अभी नहीं आते, ठीक है। अच्छा, दादाजी जब नहीं रहते हैं तब किसके नाम से? ठीक है, और उसके बाद बेटा, तब तक बेटा दादा बन जाता है। ये भी तो है ना, समझ में आ गई बात? तो मैंने तुम्हें तीन इफेक्ट पढ़ाए, कौन कौन से? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। इन तीनों इफेक्ट में रेजोनेंस जो इफेक्ट है इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। याद रहेगी यहाँ तक की बात? देखो बोल बोल, क्या बोल रहा है? एम और आर एक ही बात है, नहीं, एम और आर एक ही बात है, ठीक है ना। मीजोमेरिक जिसको बोलते हैं, जो तुम मीजोमेरिक कहते हो, वो मीजोमेरिक इज अ सेम ऑफ रेजोनेंस। मीजोमेरिक का एडवांस वर्जन कोई हम किस नाम से जानते हैं? रेजोनेंस जानते हैं। जो जो क्लासिकल है ना, क्लासिकल केमिस्ट्री, क्लासिकल मतलब पुरानी, पुराने डांसर्स होते हैं ना, क्लासिकल डांसर्स कहते हैं ना, ठीक है। तो जो क्लासिकल केमिस्ट्री है उसमें अपन उसको किस नाम से जानते थे? एम नाम से। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में उसी को किस नाम से जाने लगे? आर नाम से जाने लगे, ठीक है। एक्चुअली एक साइंटिस्ट हुआ है, उस साइंटिस्ट का नाम था पॉलिंग, ठीक है। पॉलिंग ने दो फिनोमेना को डिस्कवर किया, वन इज हाइब्रिडाइजेशन एंड अनदर वन इज रेजोनेंस। जब तुम्हें इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की क्लास होगी तब मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा, अभी तो शॉर्ट में बता देता हूँ। पॉलिंग जो था ना, उसको सब, पॉलिंग एक केमिस्ट्री का साइंटिस्ट था, उसने केमिस्ट्री पढ़ी, एमएससी एमएससी करी, मास्टर्स वास्टर्स करी। मास्टर्स करने के बाद पॉलिंग को क्या है, सपने देखने का बड़ा जबरदस्त शौक था, ठीक है। और वो सपने कैसे देखता था? केमिस्ट्री से रिलेटेड। तुम पता नहीं कैसे रिलेटेड देखते हो, उसके किससे रिलेटेड होते थे? केमिस्ट्री से रिलेटेड। और वो सिर्फ मतलब हाइपोथीसिस करता था, कल्पनाएं करता था, इमेजिनेशन करता था। और आप विश्वास नहीं करोगे कि बेटा उसकी इमेजिनेशन 100% ट्रू, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। तो उसने दो फिनोमेना दिए, हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस। हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस बोथ आर डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग, क्लियर है। पॉलिंग ने सबसे पहले इनके बारे में लिखा, सबसे पहली लाइन क्या लिखी? रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो ए हाइपोथेटिकल फिनोमेना। बट ये स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही से करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम शुरू होता है ना, प्रोग्राम प्रोग्राम शुरू होने से क्या पहले क्या लिखा आता है? इस धारावाहिक के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। उसने सबसे पहले यही लिखा, वहीं से कॉपी किया है इन्होंने, पॉलिंग से सीखा है इन्होंने, समझ में आ गया यहां तक? तो ये सिर्फ सब क्या है? इमेजिनेशन है, लेकिन काम सही करते हैं, ठीक है। तो लिखो एक लाइन, लिखो इन इन ऑल ऑफ थ्री इफेक्ट्स, इन ऑल ऑफ थ्री इफेक्ट्स, in all of three effects, in all of three effects, ऐसे लिख लो। Resonance is dominant over hyperconjugation and hyperconjugation is dominant over inductive effect, RHI, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, अब तुम्हें ये सारी दे देंगे पेपर में रेंडमली और तुमसे कहेंगे इनको किसके ऑर्डर में लगाओ? स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाओ। तो रेजोनेंस से तो तुमने ये लगा लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद कौन सा आएगा? इंडक्टिव आएगा। लेकिन इसके बाद कौन सा फ्री रेडिकल आएगा? तब आठ फ्री रेडिकल है ना टोटल का, नहीं बेटा, कौन कौन से बच गए? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल। इसके बाद कौन सा आएगा? वेरी गुड, 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री और मेथिल। किसी को दिक्कत? क्लियर है यहां तक की बात? आपको कैसे पता चला? इन सब के अंदर तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है? रेजोनेंस। इसके में कौन सा लग रहा है? एच इफेक्ट केवल, और ना तो इसमें एच लग रहा है ना इसमें आई लग रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। देखो सो, नेक्स्ट लाइन से देखो, सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, so the stability order of, so the stability order of different free radicals, so the stability order of different free radicals is as follow। देख लो बोर्ड पे से फटाफट सबके सब पूरा ऑर्डर, और बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, गर्दन झुकी रहनी चाहिए मेरे सामने, मुझे राजा वाली फीलिंग आती है। फिर
नेक्स्ट नेक्स्ट देखो शेप ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, शेप ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल शेप ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल देखो बेटा बोर्ड पर ठीक है बेटा क्या लिखी आपने हेडिंग क्या लिखी है शेप ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल देखो बेटा इधर बोर्ड पर ये आपका कार्बन फ्री रेडिकल देखो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन किसकी स्टडी करते हैं कार्बन की और कार्बन के टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ठीक है उनको निकालना सिखा देता हूं मैं आपको देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड और एक बना रखा है एक क्या है डबल बॉन्ड कार्बन और एक है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ठीक है समझ में आ गया जाता क्या कार्बन के 3 ही फॉर्म मिलते हैं सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं टोटल और इनको निकालने का तरीका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 3 p और 1 s काउंट करो 4 हो गए टोटल अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 2 और 1 3 भाई p ऑर्बिटल कितने होते हैं 3 टाइप के px py और pz सबको पता है भाई एक्सेस कितनी होती है तीन ही होते हैं एक्स वाई और जेड वैसे पी और एक्स पी वाई और पी जेड क्लियर है यहां तक की बात ऐसे 3 सिग्मा पे कितने हुए एस पी 2 सिग्मा कितने हुए एस पी क्लियर है यहां तक की बात अब मैं तुमसे दिखाता हूं 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 और 1 4 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस पी 3 3 और 1 4 इसके पास कितने सिग्मा है 1 और 1 2 ये तो दोनों पाई बॉन्ड है पहला बॉन्ड सिग्मा होता है दूसरा एक सिग्मा और दो सिग्मा ठीक है इसका मतलब 2 सिग्मा का मतलब इसका कौन सा हो गया इसका भी sp हो जाएगा समझ में आ गई लेकिन मैं कंडीशन फिर से चेंज करता हूँ देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक मैंने इससे क्या लगा दिया हाइड्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 और 1 2 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp क्लियर है यहाँ तक की बात समझ में आ गया sp हाइब्रिडाइज अब हाइब्रिडाइजेशन भी एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है किसने दिया था पॉलिंग ने पॉलिंग सुबह उठता और उसको सोचता चाय बनाता पीता और सोचता रहता और सोचने के बाद उसको कंसेप्ट निकालता था ना बेटा तो एकदम ट्रू निकलते थे उसके बहुत एक्टिवेटेड माइंड का मतलब टीचर था स्टूडेंट का क्या पढ़ाई तो ना है तू बेटा तू कुछ और सोच है sp संकरण की शेप कैसी है लीनियर क्लियर है sp2 की कैसी है ट्राइग्लोनल प्लेनर और ठीक है sp3 कैसी होती है टेट्राहेड्रल क्लियर है यहां तक की बात समझ में देखो अब बोल td का मतलब है टेट्राहेड्रल td का मतलब है टेट्राहेड्रल देखो लो पेन देना मुझे पेन दो लो पेन ले मुझे देखो हो गया काम देख लाई अरे ला देखो ये है टेट्राहेड्रल पेन का है छोटे एक साइज के होते हैं ना नहीं नहीं हो गया एक साइज के होते हैं ना तब पकड़ में आते हैं देखो मैं आ गए ये है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ठीक है समझ में आ गई बात टेट्राहेड्रल मतलब इट विल बी हैव टेट्रा फेस चार फेस होंगे देखो कैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाओ एक फेस बन गई इस एक ये एक हो गई कि नहीं हुई अच्छा इसको इसको और इसको मिलाओ दो इसीलिए इसका नाम क्या है टेट्राहेड्रल समझ में आ गया इसमें से इसको हटा दो ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर समझ में आई नहीं आई
ट्राइगोनल प्लेनर एक हटा दो, लीनियर, समझ में आ गया यहाँ पे। 180 डिग्री का एंगल होता है ना, बिल्कुल पीछे ही आता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। एक एक में 180 का, एक में 120 का, एक में 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। तो लीनियर हो गई, एक में ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, और एक में कौन सी हो गई आपकी, टेट्राहेड्रल, समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं कार्बन फ्री रेडिकल की बात करता हूँ, मेरे कार्बन फ्री रेडिकल में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, तीन, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। तो ऑल कार्बन फ्री रेडिकल शुड बी sp2 हाइब्रिड। देखो देखो, ऑल कार्बन फ्री रेडिकल शुड बी sp2 हाइब्रिड। All carbon free radical should be sp2 hybrid. It means their shape become trigonal planar. Trigonal planar. In this hybridization, one s orbital and two p orbitals. ब्रैकेट में लिखना px, py should be participate. And the bond angle become 120 degree. Bond angle become 120 degree. ये लो बना लो, कार्बन एक दो तीन, और ये हो गया एक ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें कौन प्रेजेंट होता है, बना लो डायग्राम बोर्ड। बेटा कन्हैया बात नहीं तो क्लियर, ठीक है। इसी के साथ हम बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे थे। बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप का था, दो टाइप का, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अपना कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कंप्लीट हुआ, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या हुआ अपना, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग लिखो, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। कल से अपन क्या करेंगे, तुम पीडीएफ खोल लेना अपनी, ठीक है, और मैं फटाफट दे दमादम धड़ा धड़ 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस 20 दिन में, हाँ और क्या, दिखाने वाला टाइम बचा लेंगे अपन, ठीक है। अब अपना क्या, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, देखो बेटा इधर बोर्ड पे लिखना मत, when a bond will be present in both different atom and when the electronegativity of one atom is more than the one, मैं कह रहा हूँ the electronegativity b is more than a, when any bond should be formed then it will be formed by the two electrons. कोई भी बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है, बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी इज मोर देन द ए, मैंने लिख दिया है नीचे, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड इज कंप्लीटली, मैं क्या कह रहा हूँ, इन दिस कंडीशन बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड इज कंप्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ गई बात, किस पर चले जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चले जाएंगे। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी पजेसेस नेगेटिव चार्ज while other atom should be possesses, this type of bond cleavage is known as heterolytic bond cleavage and this bond cleavage will be determined, will be represented by the fully added curved
एरो, ठीक है, होमोलिटिक किससे दिखाया था, हाफ हेडेड कर्व्ड एरो, हाइपर कॉन्जुगेशन किससे दिखाया था, डबल हेडेड कर्व नहीं था, स्ट्रेट था, डबल हेडेड एरो, समझ में आ गई बात, देखो व्हेन व्हेन ए बॉन्ड, व्हेन ए बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, व्हेन ए बॉन्ड विल बी प्रेजेंट बोथ डिफरेंट, when a bond will be present both different electronegative atom, both different electronegative atom, then in this condition, then in this condition both electron of the bond, then in this condition both electron of the bond, both electron of the bond should be shifted towards, should be shifted towards, should be shifted towards more electronegative atom, should be shifted towards more electronegative atom, that type of cleavage is known as, that type of cleavage is known as heterolytic bond cleavage, then that type of cleavage is known as heterolytic bond cleavage, which is represented by the, which is represented by the fully headed curved arrow. रीजन करवा तो दिया बच्चे, कह तो रहे थे रीजन कर लो भैया, ठीक है, क्या